रुचिता का फोन यहाँ है। रुचिता का है? एग्जैक्टली कहाँ है वो? मैंने तो उसे खुद बंद किया था। आप लोग ये फ्रिज ले जाइए। हो सकता है कि फ्रिज से सामान निकालते वक्त उसका फोन अंदर रह गया, पर ये रुचिता है कहाँ? निहार जी, ऊपर से कैसे आ रही है? कहाँ थी तुम? सब इतना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। निहार जी, वो मैं हमारे कमरे की तरफ जा रही थी और मुझे चक्कर आ गया तो मैं स्टोर रूम के पास बेहोश हो गई थी। क्या? अचानक से कैसे बेहोश हो गई तुम? ये ऐसे नहीं हुआ है निहार जी, मुझे बेहोशी की दवाई देके फ्रिज में बंद करने की कोशिश की गई थी। और ये सब इसने किया है मेरे साथ। हाँ निहार जी, अमृता ने पहले मेरे चाय में कुछ मिला के मुझे बेहोश किया, फिर मुझे बंद करने की कोशिश की। चाबी, दवाई की वजह से मैं बेहोश हो गई स्टोर रूम के पास। अमृता, क्या रुचिता सच कह रही है? ये सब तुमने किया? नहीं रुचिता, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है या कोई बात की नाराजगी है तो मुझे ऐसे ही बता दो ना। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? बंद करो अपना ये नाटक अमृता। मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे साथ जो भी हुआ है तुमने किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ रुचिता? मैं तो पिछले दो दिन घर से अपने रूम में पूजा कर रही हूँ। झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? दूसरों पर बेकार का इल्जाम लगाना बंद करो तुम रुचिता। हाँ, अमृता कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मैं तो खुद कब से उसके कमरे के बाहर माला जप रही थी। 3 घंटे से वो खाटू श्याम जी का पाठ कर रही थी। भीम सुपुत्र अहल्यावती जाया। रुचिता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। अमृता ने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं दादी जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, मैं सच कह रही हूँ। रुचिता, मैं भी अमृता के कमरे के सामने से कई बार निकली। एक बार छत से कपड़े ला रही थी,
अचार लेने गई, पर अमृता अपने कमरे में पूजा ही कर रही थी। ये सब कथा कही कल्पांतर, तनिक न मानो इसमें आंतर। रुचिता, क्या तुमने अमृता को ये सब करते हुए देखा था? आप बोलो रुचिता। नहीं नहीं आरजी, मैं आधे बेहोशी के हालत में थी, मुझे सब हल्का हल्का याद है। और वैसे ही याद रहेगा, अच्छी तरह कुछ याद नहीं आएगा। रुचिता, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज मुझे ऐसे बदनाम मत करो। तुम कहीं नहीं जाओगी? जब तुमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो फिर सजा किस बात की? और रुचिता, तुम पहले भी कई बार ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर चुकी हो। मैं इस बार मॉम प्लीज, पुरानी बातों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भले ही नहीं पता, लेकिन इतनी घटिया हरकत करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इतनी आसानी से इस बात को मैं भूलूंगा नहीं। भले ही किसी ने मुझ पर भरोसा ना किया हो अमृता, लेकिन मैं ये जानती हूं कि ये हरकत तुम्हारी ही थी।